नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र में पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लगाई लताड़। का छुपकर वार करने से बाज आ जाओ, कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिशों में लगा है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भेजे गए भारतीय सैनिकों को मिले खराब हथियार। यूएन ने काटे 338 करोड़ रुपए। यूएन की शांति सेना में कांगो और सूडान भेजे गए हैं भारतीय जवान। उरी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। पाक को आतंकी देश घोषित करने के लिए अमेरिकी संसद में पेश हुआ बिल। इस मामले में 90 दिनों के भीतर राष्ट्रपति बराक ओबामा जारी करेंगे रिपोर्ट। यूएन महासचिव बान की मून और बराक ओबामा ने पाक को दिया झटका। दोनों ने अपने संबोधन में नहीं किया कश्मीर का जिक्र। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में आज पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ फिर आलापेंगे कश्मीर राग। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने की भारत और चीन की जमकर तारीफ। कहा, दोनों देशों के विकास से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हुई बेहतर। बतौर राष्ट्रपति ओबामा का यह 8वां और अंतिम संबोधन था। इंडोनेशिया के जावा प्रांत में बाढ़ का कहर, 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।